राजधानी रायपुर के भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता को भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष विकास मरकाम ने संबोधित किया। आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि भूपेश बघेल जी ने कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बघेल को पता था कि जनता नकार देगी, लेकिन पार्टी ने उन्हें जबरदस्ती राजनांदगांव से प्रत्याशी बनाया। उन्हीं के कार्यकर्ता उनका विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष विकास मरकाम ने कहा कि कवासी लखमा जो बस्तर के प्रत्याशी हैं, कल उन्होंने बयान दिया कि मैं अपने लड़के के लिए दुल्हन लेने गया था, लेकिन मुझे ही पार्टी ने दूल्हा बना दिया। ऐसा बयान देकर कवासी लखमा ने पूरे बस्तर की जनता का अपमान किया है। रायपुर से भोलेश मिश्रा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार एक बार सत्ता में अभी 18 में आई, तब से अगर किसी राजनेता का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वह है माननीय भूपेश बघेल जी, जो स्व के भाव से पीड़ित हैं, मैं और मेरा, अर्थात स्व का भाव। जबकि राजनीति के क्षेत्र में बहुजन हिताय, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का सिद्धांत लागू होता है, पर भूपेश बघेल जी ने सदैव स्व, मैं और मेरा के सिद्धांत पर राजनीति की। जब वो सत्ता में रहे तो मैं और मेरा इस भाव से उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी की धन संपदा को लूटा। तानाशाही रवैये से अधिकारियों को दबाव में लाकर और अपराध को फूलने फलने दिया, चाहे वो महादेव सट्टा ऐप हो, चाहे कोल स्कैम हो, सब मैं और मेरा स्व के भाव से था। और आज अनेक नेता और अनेक अधिकारी वो जेल पे हैं और कुछ बेल पे हैं। ये स्व के भाव से था। जब वो सत्ता में थे तो कांग्रेस पार्टी का इतना नुकसान किया कि स्व के भाव ने कांग्रेस पार्टी की सत्ता छीन ली। आज विपक्ष में है तो भाव मरा नहीं, स्व का भाव जिंदा है, मैं और मेरा जिंदा है। पार्टी से कोई लेना देना नहीं है कांग्रेस पार्टी से, उनको अब ये स्पष्ट हो चुका है उनकी करनी से।